Hello viewers, I am Assistant Professor Jyoti from PG Department of Computer Science and IT, Dwaba College, Jalandhar. तो आज ASP.NET की सीरीज़ में हम करेंगे कि वैलिडेशंस कैसे लगाई जाती हैं. आप जैसे जानते हो कि हम कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं जो कंपलसरी हैं, या कहीं पे हमें कहीं रेंज देनी पड़ती है, पासवर्ड कंफर्म करना पड़ता है. तो आइए सीखते हैं कि ASP.NET में वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं. स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल सा फॉर्म डिज़ाइन करा हुआ है. इस फॉर्म में सबसे पहले हमने लिया है यूज़र नेम और उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया है. टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसकी आईडी चेंज करी है, आईडी चेंज करके रखी है TXT यूज़र. नेक्स्ट मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई है क्वालिफ़िकेशन के लिए, और इसकी आईडी आप देख सकते हो मैंने चेंज करके इसकी आईडी चेंज कर देते हैं. जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है तो मैंने इसको चेंज कर दिया ड्रॉप डाउन लिस्ट क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट एक रेडियो बटन लिस्ट लगाई है, उसमें आप देख सकते हो देयर इज़ जेंडर मेल एंड फीमेल. इसका नेम, इसकी आईडी भी हम चेंज करते हैं. मैंने यहाँ पे रख दिया इसकी आईडी को रेडियो जेंडर. नेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया है फॉर एज और इसकी आईडी है TXT एज. नेक्स्ट वी हैव ईमेल और उसकी आईडी आप देख सकते हो TXT ईमेल. नेक्स्ट इज़ पासवर्ड और उसकी आईडी है TXT पास, और उसके बाद है कंफर्म पासवर्ड और उसकी आईडी है TXT सी पास. नेक्स्ट वी हैव अ बटन, सबमिट बटन, और उसकी आईडी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेट इट बी बटन 1. तो आइए अब इस पे लगाते हैं वैलिडेशन कंट्रोल्स. सबसे पहले यूज़र नेम पे यहाँ मैंने क्लिक किया. मैंने पहले सबसे पहले एक टेबल लिया हुआ था जिसमें 3 कॉलम्स लिए थे. यहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड पे ये नेम्स थे फील्ड्स के, देन टेक्स्ट बॉक्सेस जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगाओगे. तीसरे कॉलम में अब यहाँ पर हम लगाते हैं वैलिडेशन. यहाँ पर जो वैलिडेशन वैलिड रहेगी दैट इज़ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर. तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर पे यहाँ पर आकर यहाँ तो इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए. अब इस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को सेलेक्ट करते हुए हम इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे. तो जो भी आप वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो बेसिक उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने सेट करनी है. सबसे पहले है एरर मैसेज. तो एरर मैसेज हम यहाँ पे लगाते हैं यूज़र नेम इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट. टेक्स्ट में हम डाल देते हैं एस्ट्रिक का सिंबल. सो एज वी नो इन वेब डिज़ाइनिंग, इन वेब डेवलपिंग, वी नो कि दिस एस्ट्रिक सिंबल दिस डेजिग्नेट्स लाइक कंपल्सरी फील्ड. तो ये इसके आगे आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कंट्रोल टू वैलिडेट. मीन्स कि इस वैलिडेशन के थ्रू आप कौन से कंट्रोल को कंट्रोल करना चाहते हो, कौन से फील्ड को कंट्रोल करना चाहते हो. तो इसके सामने जब हम क्लिक करेंगे देन वी कैन सी कि जितने भी हमने आईडीज रखी थी अलग अलग वैल्यूज़ के लिए वो सारी की सारी शो हो गई. तो TXT यूज़र ये हम चूज़ करेंगे. सो ये हमने वैलिडेशन लगाई. आइए अब इसको चेक करते हैं. इसको चेक करने के लिए कंट्रोल F5. हमारे सामने आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी, दैट इज़ ब्राउज़र आ जाएगा, ब्राउज़र विंडो आएगी जहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये वैलिडेशन हमारी लग गई है या नहीं लगी है. तो ब्राउज़र विंडो में हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा, जो कि बता रहा है कि दिस इज़ अ कंपलसरी फील्ड और आपने इसको बिना फिल किए जो है सबमिट बटन प्रेस कर दिया है. अगेन अगर यहाँ पर मैं कुछ भी लिखती हूँ, मैंने अपना नेम लिखा दैट इज़ ज्योति और मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हो ये फॉर्म जो है ऑटो पोस्ट हो रहा है और यहाँ पे कोई एस्ट्रिक सिंबल नहीं है. दैट मीन्स कि जो कंपलसरी फील्ड था वो हम
जैसे हमने यूज़र नेम पे रिक्वायर्ड फील लगाया, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन के लिए भी ऐसे ही रिक्वायर्ड फील लगाते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर पे अगेन डबल क्लिक किया, तो एज़ यू कैन सी, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया हमने तीन प्रॉपर्टी सेट करनी है, अगेन यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ हम लिखते हैं क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, देन टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम डाल रहे हैं एस्ट्रिक का सिंबल, देन कंट्रोल टू वैलिडेट, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का नेम हमने रखा था DDL क्वालिफिकेशन, देन उसको चूज़ किया। ड्रॉप डाउन लिस्ट के केस में एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जो हमें सेट करनी पड़ती है, दैट इज़ इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ एडिट आइटम्स में अगर हम जाएँ तो वी कैन सी जो सिलेक्ट है उसके लिए जो वैल्यू है दैट इज़ ज़ीरो, मीन्स कि सिलेक्ट, अगर यूज़र कुछ भी नहीं सिलेक्ट करता है तो इनिशियल वैल्यू क्या है, ज़ीरो। बाकियों के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं। तो हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैलिडेशन के लिए वी हैव टू सेट द इनिशियल वैल्यू दैट शुड बी ज़ीरो। जब ये ज़ीरो है तभी जो वैलिडेशन कंट्रोल है वो एक्टिव होगा। नेक्स्ट कंट्रोल टू वैलिडेट इज़ रेडियो बटन लिस्ट। तो इस रेडियो बटन लिस्ट के लिए भी हम रिक्वायर्ड फील्ड लगाते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर अगेन डबल क्लिक किया मैंने, फिर से वही तीन प्रॉपर्टीज हम सेट करने जा रहे हैं, एरर मैसेज, जेंडर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम डालेंगे एस्ट्रिक का सिंबल, कंट्रोल टू वैलिडेट, सो रेडियो जेंडर, दैट्स इट। नेक्स्ट एज, एज के लिए हम क्या करते हैं, हम दो, एक तो लगाते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, सॉरी इस कॉलम में रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर डबल क्लिक, देन अगेन वही तीन प्रॉपर्टीज, एरर मैसेज, एज इज रिक्वायर्ड, टेक्स्ट में वी विल हैव एस्ट्रिक सिंबल, कंट्रोल टू वैलिडेट इज, सो कंट्रोल टू वैलिडेट, सो इस पर्टिकुलर TXT एज। नेक्स्ट यहाँ पर हमने रेंज रखी है कि जो यूज़र एज एंटर करेगा दैट शुड बी फ्रॉम 20 years to 30 years। सो यहाँ पर हम लगाते हैं जो हमारा लाइक रेंज वैलिडेटर, मैंने रेंज वैलिडेटर पे डबल क्लिक किया। अब रेंज वैलिडेटर के लिए जो हमने प्रॉपर्टी सेट करनी है, यहाँ पर एरर मैसेज, स्पेसिफाई एज बिटवीन 20 and 30, देन टेक्स्ट अगेन यहाँ पर हम एस्ट्रिक फील्ड, एस्ट्रिक जो है वो दे रहे हैं, कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट अगेन TXT एज। अब यहाँ पे एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम देंगे सो दैट कि ये जो वैलिडेशन है हमारी 20 से 30 तक चले, तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 30 और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 20। तो ये कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ थी इस पर्टिकुलर वैलिडेटर के लिए। नेक्स्ट वैलिडेशन हम लगाएंगे ईमेल के लिए, एक बार इतना हम रन करके देखते हैं। सो एज़ यू कैन सी, सामने हमारे फॉर्म है और बिना कुछ फिल किए अगर हम सबमिट बटन प्रेस करते हैं तो जितने भी हमारे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर थे वो सारे के सारे एक्टिव हो गए। अब फर्स्ट फील्ड में मैंने लिख दिया अपना नेम, देन सेलेक्ट लिस्ट से क्वालिफिकेशन फीमेल, जैसे जैसे हम फील्ड भरते जा रहे हैं आप देख सकते हो जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर थे वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। देन एज, एज के लिए अगर आप फिल करते हो, मैंने फिल कर दिया 19, अगेन आप देख रहे हो कि जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर था उसने तो अपना काम कर दिया। नेक्स्ट वॉज दिस रेंज, सो अगर हम चाहते हैं कि ये जो एस्ट्रिक का सिंबल है चला जाए तो इसके लिए हमें जो एज है वो 20 और 30 के बीच में देनी पड़ेगी। अब मैं एंटर करती हूँ 22 और
आप देख सकते हो जैसे ही नेक्स्ट हम फील्ड पे जाएं, सो आप देख सकते हो कि 19 आ रहा था और एस्ट्रिक का सिंबल था। जैसे ही इसको मैं 21 कर देती हूँ और हम नेक्स्ट फील्ड पे चलते हैं, तो ये एस्ट्रिक का सिंबल हट जाएगा। सो अब ये जो 21 वैल्यू है, दैट इज़ बिटवीन 20 to 30। एक और चीज़ हो सकता है कि समटाइम्स हम ये जो वैल्यू है, लाइक हम इसको किसी भी जैसे 22.5 करना है, 22 and a half years, तो इसके लिए हमें एक इसकी टाइप चेंज करनी पड़ेगी। टाइप में जाके हम इसको कर देंगे डबल। टाइप जो करंटली यहाँ पर आ रही है स्ट्रिंग, इसको हम कर देंगे डबल। तो अगर अब यूज़र 22.5 फिल कर रहा है या कोई भी डबल वैल्यू फिल कर रहा है, तो जो है ये वैलिडेटर जो है अपना काम करेगा। नेक्स्ट फील्ड टू वैलिडेट इज़ ईमेल। तो ईमेल के लिए जो वैलिडेशन रहेगी, दैट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन में जाकर हम एरर मैसेज जो है वो डालेंगे। एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, टेक्स्ट एस्ट्रिक, कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट इज TXT ईमेल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे सेट करनी है, दैट इज वैलिडेशन एक्सप्रेशन। वैलिडेशन एक्सप्रेशन में हम जाएंगे, देन देयर इज अ ऑप्शन इंटरनेट ईमेल एड्रेस, वहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम इसको अब रन करके देखते हैं। सो जैसे ही मैंने ईमेल में कुछ भी फिल कर दिया और नेक्स्ट यहाँ क्लिक कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो ये वैलिडेशन जो वैलिडेटर है वो एक्टिव हो गया। नेक्स्ट जैसे ही मैंने कोई वैलिड ईमेल एड्रेस दिया, सो नाउ ये एस्ट्रिक का सिंबल जो है हट गया। तो ये वैलिडेटर इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट इज पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो कंफर्म पासवर्ड में हम क्या करेंगे, लाइक कंफर्म पासवर्ड पे जाकर इसको वैलिडेट करेंगे, क्योंकि हमने कंपेयर करना है कि यूज़र जो पासवर्ड में इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू फिल कर रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। तो जो वैलिडेशन है हम यहाँ पर लगाएंगे कंफर्म पासवर्ड पे। जो वैलिडेशन वैलिडेटर रहेगा यहाँ पे, दैट इज़ कंपेयर वैलिडेटर। तो कंपेयर वैलिडेटर पे क्लिक करके एरर मैसेज, पासवर्ड शुड मैच टेक्स्ट, अगेन टेक्स्ट में एस्ट्रिक का सिंबल। नेक्स्ट इज कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट इज TXT सी पास, चलिए कंट्रोल टू वैलिडेट। बेसिकली क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें देखना है कंट्रोल टू कंपेयर कौन सा रहेगा। तो कंट्रोल टू कंपेयर इज, सो कंट्रोल टू कंपेयर रहेगा हमारे पास TXT पास। इसको भी रन करके देखते हैं। पासवर्ड, पासवर्ड में अगर मैं फिल कर रही हूँ ABC और यहाँ मैंने फिल कर दिया ABCD, सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो एज यू कैन सी कि ये जो वैलिडेटर है इसने एस्ट्रिक का सिंबल शो कर दिया। जैसे ही यहाँ पर मैं डी हटाती हूँ, देन यहाँ से ये एस्ट्रिक सिंबल चला जाएगा। दैट मीन्स कि जो दोनों की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। एक और प्रॉपर्टी जो हमें सेट करनी है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के लिए, दैट इज टेक्स्ट मोड। तो टेक्स्ट मोड हम यहाँ पर क्या रखेंगे, दोनों के लिए ही पासवर्ड, पासवर्ड के लिए भी और कंफर्म पासवर्ड के लिए भी जो टेक्स्ट बॉक्स मोड रहेगा, दैट वुड बी पासवर्ड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की वैलिडेशंस थी जो हमने लगा कर देखी। इट विल डेफिनेटली हेल्प। अब ये जो एरर मैसेजेस हैं, अगर वो हम शो करवाना चाहते हैं,
अगर हम एरर मैसेजेस शो करवाना चाहते हैं तो वी विल यूज़ वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी को ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दीजिए। देन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हो कि एरर मैसेजेस जो हैं वो शो होने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं कि कैसे ये एरर मैसेजेस जो हैं वो शो। सो सबमिट बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हो जो वैलिडेशन समरी थी वो हमने लगाई थी, तो डिफरेंट डिफरेंट जो एरर मैसेजेस थे वो यहाँ पर शो होने शुरू हो गए। अब आप सपोज़ कीजिए कि हम ये जो लाइक जितनी भी ये एरर्स हैं अगर आप किसी डायलॉग बॉक्स में देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी हमें सेट करनी है, यहाँ पर जाके वैलिडेशन समरी में जाकर यहाँ पे हम शो मैसेज बॉक्स को ट्रू कर देंगे और शो समरी को कर देंगे फॉल्स। तो अब जितने भी एरर मैसेजेस हैं वो एक डायलॉग बॉक्स में दिखने शुरू हो जाएंगे। सो जैसे हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो अब ये जितने भी एरर मैसेजेस हैं वो डायलॉग बॉक्स में दिखने शुरू हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वैलिडेशंस वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।